शिवसेना संजय राउत पर कसा ईडी का शिकंजा, घर पर पड़ी छापेमारी। जी हां, आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि 1034 करोड़ रुपए के पाताचाल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपए की पाताचाल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की अलीबाग प्लॉट और दादर में मुंबई में एक फ्लैट को कुर्क किया है। खबरों के मुताबिक ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क की है और इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट भी शामिल है। बता दें कि कुछ समय पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखा था, जिसमें दावा किया गया था कि 1034 करोड़ रुपए के पाताचाल भूमि घोटाले मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय उनके और उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए या उनकी मंशा से किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस आई तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।